पहाड़ का सीना चीरकर सड़क बनाने के लिए मशहूर माउंटेन मैन दशरथ मांझी का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिन्होंने अकेले ही 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काटकर एक सड़क बना डाली थी, जिससे वे देश भर ही नहीं विश्व भर में मशहूर हो गए थे। ऐसा ही कुछ कारनामा कर दिखाया है लखनपुर क्षेत्र के लोगों ने। उन्होंने अपनी जरूरतों एवं समस्या से निजात पाने सरकार एवं प्रशासन की आस किए बगैर अपनी एकजुटता एवं साहस के दम पर पेयजल की समस्या का हल निकाल दिया। अपने पानी की समस्या के बारे में सरकारों से फरियाद करते हुए देखा सुना होगा, लेकिन हम आपको सरगुजा जिले के एक ऐसे गांव लिए चलते हैं जहां ग्रामीणों की मेहनत ने पानी की समस्या को पहाड़ का सीना चीरकर खत्म कर दिया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सरगुजा जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है लखनपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत लबजी, जिसके आश्रित गांव जामा खास के लोगों ने अपने दम पर कुछ अलग कर दिखाया। 400 की आबादी वाले इस आश्रित मोहल्ले में बिना बिजली बिना बोर के निकलता पानी देख आप भी सोच में पड़ जाएंगे। ये जामा खास है और यहाँ पानी का समस्या पहले बहुत ज्यादा था और नदी का पानी पी के या जीवन यापन कर रहे थे, और अभी जो हम लोग पाइप के द्वारा अपना पैसा गांव वाले चंदा करके व्यवस्था की है, इसमें 5 पाइप वापस मतलब कि यहाँ गांव में पानी लाया गया है। तो 5 पहाड़ के 5 इलाका से? हाँ, 5 इलाका से और 5 पाइप फिट किए हैं, तो अभी गांव में पानी की सुविधा भरपूर है। अभी हैंडपम्प भी है सर, लेकिन उसमें पानी की कमी है और उसमें थोड़ा यूज नहीं करते हैं, अभी वही पाइप के जरिए ही ज़्यादा यूज करते हैं। तो पीने के लिए कहाँ से? पाइप के पानी पीते हैं सर। तो एक पाइप पहले उसको कर देखे हम लोग, तो उसमें से पानी यहाँ पहुँच गया, तो हम लोग धीरे धीरे उसको और ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था करने की कोशिश की। 5 पाइप बिछाए हैं सर, उसमें से सब पाइप से पानी आ रहा है सर। जब पहाड़ियों पर हैंडपम्प फेल हो गया तो पहाड़ को चीर कर भी पानी लाया जा सकता है, यह बताया है इस ग्राम के लोगों ने। लबजी के आश्रित गांव जामा खास में कभी पानी की विकराल समस्या थी, लेकिन आज पाइपलाइन से जलधारा गांव की प्यास बुझा रही है। पहले तो पहले सुखद जात रही तो बोरिंग रही और कुआं रही तो कुआं घल वटाई गई बोरिंग, एक ही गुट बोरिंग है और बोरिंग हमारा ओहू ला बिगाड़ दी हमारे पर, तो दिक्कत तो हो गई इस पानी। तो फिर कैसे करा तुम, का दिमाग लगाया? कैसे दिमाग लगाबो, हमन दिमाग में से हमन पानी लाना था। कहाँ कैसे दिमाग लगाया? आई कैसे लगा ही चंदा करी तहाँ फिर पाइप में पानी लाना था, कैसे रही पानी निकलत दो है पहाड़ तो फिर झरना पानी बस पंप लाई इसी करी है वही हरा था भर बार यही ला लाना था। हाँ उतर कराल गए लानी ना है ऊपर पर कराल गए लाना था, तो दिक्कत नहीं है का। कभी जल की कमी के कारण ये ग्रामीण अपनी प्यास बुझाने एवं आम जरूरतों को पूरा करने के लिए नदी नालों का सहारा ले रहे थे। तभी गांव के कुछ नव युवकों ने पहाड़ी झिरिया का पानी पाइपलाइन के जरिए गांव के घर घर तक पहुंचाने की सोची, जिसके लिए बैठक कर आपस में चंदा कर रुपए जोड़े और युवकों ने श्रम दान कर पाइपलाइन के जरिए पहाड़ी झरिया का वर्ष भर बहने वाला शीतल जल धारा को अपने उपयोग में लाने का कारनामा कर दिखाया। जामा खास पहाड़ के चारों ओर से करीब 2 किलोमीटर पाइपलाइन के जरिए गांव को पानी मिल रही है। पूरे गांव में पेयजल एवं अन्य आवश्यकता हेतु पानी की कमी अब दूर हो गई है। नदी भी सूख जाएल, सब इसका सूखा कुआं भी सूख जाएल, तीन तब फिर इन साल तो ढेरे सूख गई तीन हम के इनके आइडिया बनाए कि चला हम उमन ऊपर का तिलाना थे तो हम उमन लानी तेकर फिर खिजो ढोड़ी ले फिर देखी नहीं तेकर फिर पाइप बिछाइन 2000 जमा करके तो फिर बिछाइन तेकर फिर पानी लाना था फिर नहाए बार धोए बार सब चीज बार बना था और पिए बर्तनी समस्या है, लेकिन क्या करब सांझ बिहान या थन दो ले बार बोरिंग तेकर हम फिर बोरिंग कर ला पिए बार ले जाता नहाए धोए बार तो नदी का ऐसी झरना पानी आता है वाला। एक और सरकार सबके घर तक पेयजल उपलब्ध कराने जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन विस्तार का कार्य कर रही है, दूसरी ओर वे गांव भी हैं जहां पर रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर पाने के लिए जल की उपलब्धता नहीं है। यह किसी एक गांव की कहानी नहीं है,
ऐसे कई गांव हैं जो कि जल संकट का सामना कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ हो नहीं रहा। सरकार प्रशासन सब एक दूसरे की योजना के भरोसे बैठे हुए हैं, लेकिन हल कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, कोई नहीं जानता। ऐसे में कई गांव खुद के दम पर बदलाव की कहानी लिख रहे हैं, जिनमें से एक खास पारा भी है। सरकार ग्रामीण स्तर पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की हर कवायद करे, लेकिन जब सब कार्य योजना फेल हो जाए तब कुछ गांव के जागरूक लोग कोई ना कोई रास्ता अख्तियार कर ही लेते हैं, जिससे उनकी समस्या का हल निकल सके। इसका जीता जागता उदाहरण यह गांव है, जो आज पानी की समस्या से निजात पाने में सफल है। वो तो ग्राम पंचायत लब्जी है लगाने के लिए, लेकिन आश्रित ग्राम जामा, वहाँ का है जो पानी जंगल से वो जो स्रोत है उसको वो लोग का किए हैं पाइप चंदा करके, गांव से चंदा करके और उसको पाइप खरीद के जंगल से पाइप को ले आए हैं घर में, मतलब गांव में गली में वो पानी घूम रहा है और घर घर में बर्तन उर्तन धोने में, साग सब्जी लगाने में, नहाने धोने में वो काम आ रहा है।